मोदी सरकार का अकलियतों और कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ह किया है कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ कश्मीरी कारकुन टोनी एशिया ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व सितम, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बातचीत की गई है, जबकि मसला कश्मीर खुसूसन मौजूदा हालात को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। टोनी एशिया ने वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका में मसला कश्मीर उजागर करने से मुतल्लिक कोशिशों से आगाह करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ है। दुनिया भर में मोदी सरकार का आरएसएस एजेंडा और नाम नहाद जमहूरियत का पर्दा फाश हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का इस मौके पर कहना था कि मासूम कश्मीरियों के हकूक और कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर उठाने और उनकी आवाज बनने के लिए पुराज़म है। आलमी बरादरी को मोदी सरकार के एजेंडे और खित्ते के अमन पर उसके मोहलिक असरात का इदराक करना होगा। आरएसएस और हिंदुत्व नजरियात पर मबनी एजेंडे का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त मिटाना है।